हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल एकेडमी, अ हेल्पिंग हैंड इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है स्टैंडर्ड 10th की, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसकी। और फिलहाल हमने टैग दैट इज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी हमने कंप्लीट कर ली है, और आज हम स्टार्ट करेंगे द थीव्स स्टोरी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होती है वो आज फिर है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बेल आइकन दबा दीजिए कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो देख सकें, उसको यूज़ कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। द थीव्स स्टोरी का पहला क्वेश्चन है, अनिल वॉज अबाउट, अनिल वॉज अबाउट डैश बताना है। ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स। यस, तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तब भी यहाँ पे मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं हैं, जैसे वल्ली का एक क्वेश्चन आता है, जी मैडम राइड्स बस में एक क्वेश्चन आ गया था कि हाफ ईयरली में कि वल्ली की एज क्या थी, वो कितने साल की बच्ची थी। तो किसी ने 7 लिखा, किसी ने 8 लिखा, लेकिन उसका सही आंसर 8 ईयर्स ओल्ड है। तो कंफ्यूजन हो जाता है डियर। यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा, अनिल वाज अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, 22 25 26 या 24। इसका सही आंसर होगा डियर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सेड यू लुक अ बिट ऑफ, हरी ने कहा, हरी सेड यू लुक अ बिट ऑफ, यू लुक बिट ऑफ डैश। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है प्लेयर, रेसलर, डॉक्टर या इंजीनियर। यहां पे ए आएगा, ये लोग का बीट होगा डॉक्टर, रेसलर, इंजीनियर या फिर ऑप्शन डी प्ले। जी तो यहां पे आपको यह बताना है कि हरी ने क्या कहा था अनिल से, कि आप थोड़े बहुत किसकी तरह लग रहे हैं, डॉक्टर की तरह, रेसलर की तरह, इंजीनियर की तरह या प्लेयर की तरह। तो उनकी मुलाकात ही पहलवानी के अखाड़े में हुई थी, जब सभी लोग पहलवानी देख रहे थे तो वहां पे उनकी तारीफ करने की कोशिश की थी जो कि बिल्कुल गलत थी। तो लेकिन ये कहा था, एक कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं, तो रेसलर उनको बोला था कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल लिव इन द रूम ओवर, अनिल लिव्ड इन अ रूम ओवर होटल लैंडमार्क वॉल हाउस, होटल लैंडमार्क ऑप्शन बी दैट इज वॉल हाउस, दैट
वॉल हाउस, ऑप्शन सी जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप, या फिर ऑप्शन डी दैट इज स्कूल। तो आपको ये बताना है डियर कि अनिल जिस घर में रहते थे वो, या जिस कमरे में रहते थे वो किसके ऊपर था, होटल लैंडमार्क के ऊपर, वॉल हाउस के ऊपर, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, या फिर स्कूल के ऊपर। तो वो रहते थे डियर, जिसके ऊपर उनका कमरा था वो थी जमुना स्वीट शॉप। ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अनिल्स प्रोफेशन वॉज, अनिल्स प्रोफेशन वॉज, प्रोफेशन क्या था उनका, ऑप्शन देखिए बिजनेस, इंजीनियरिंग, बिजनेस था, इंजीनियरिंग थी, गेम्स था, या फिर राइटिंग फॉर मैगजीन्स। तो यहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा उनका प्रोफेशन था, अनिल का प्रोफेशन क्या था। क्योंकि आपको पता होगा बिजनेसमैन होता तो पैसों की कमी नहीं होती, इंजीनियरिंग होती तब भी टाइम पे सैलरी मिल जाती, उनको टाइम पे पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है, गेम्स मतलब ही नहीं। तो उनका क्या था प्रोफेशन, राइटिंग फॉर मैगजीन्स, लिखते थे, बिकती थी, कभी कभार पैसे मिलते थे, मतलब जब जब भी बिकती थी उनको पैसे मिलते थे, रेगुलर इनकम नहीं थी उनकी, तो राइटिंग फॉर मैगजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल गेव फूड प्रिपेयर्ड बाय हरी, अनिल गेव फूड प्रिपेयर्ड बाय हरी टू ए, किसको दिया। देखिए जो खाना मतलब कि हरी ने बनाया था वो खाना उन्होंने किसको दिया, काउ, बेगर, स्ट्रे डॉग, या फिर ऑप्शन डी गर्ल। किसको दिया था जो खाना बनाया था, मतलब कि हरी जब पहली बार बात हुई थी तो हरी ने ऐसी हामी भर दी थी कि हाँ मैं खाना बना लेता हूं, लेकिन जो खाना बनाया वो इतना अच्छा था, आप समझ सकते हैं, वो इतना अच्छा था कि वो अनिल खा ही नहीं पाए, और उन्होंने खाना किसको दिया, गाय को दिया, भिखारी को दिया, या घूमने वाले कुत्ते को, आवारा कुत्ते जिसे कहते हैं, या फिर बकरी को दिया, सॉरी अरे यार क्या कह रहा हूं, लड़की को दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा डियर वो है स्ट्रे डॉग, उन्होंने वो खाना स्ट्रे डॉग को दिया। एक बार क्वेश्चन सारा एक बार फिर से देख लेते हैं। अनिल वाज अबाउट 25 इयर्स ओल्ड, हरी सेड यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर, अनिल लिव इन अ रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप, अनिल्स प्रोफेशन वाज राइटिंग फॉर मैगजीन, अनिल गेव फूड प्रिपेयर्ड बाय हरी टू ए स्ट्रे डॉग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है,
हरि सिंह वुड चेंज हिज नेम एवरी मंथ. हरि सिंह वुड चेंज हिज नेम His name every month. हर महीने वो अपने नाम बदलते थे. ठीक है. To save himself from. To save himself from. ऑप्शन देखिए. पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयर्स, पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स. गुड. ओल्ड एम्प्लॉयर्स. नेक्स्ट है. हिज वाइफ इज एनिमी. हिज वाइफ His enemy. या फिर none. बताइए. तो हरि सिंह हर महीने अपना नाम छोड़ हर महीने अपना नाम बदलते थे. किस लिए? किससे बचने के लिए? पुलिस से और अपने पुराने एम्प्लॉयर से जहां पे वो काम करते थे. वाइफ से, अपने दुश्मनों से, या फिर किसी से भी नहीं. तो यहाँ पर देखिए, जो दुश्मन है वो तो है ही है, उसकी क्या बात करेंगे, वो तो किसी न किसी तरीके से पहचान ही लेगा. और रही बात वाइफ की, तो वाइफ कहते हैं दो ही डर इस दुनिया में होता है. ठीक है. एक तो हमारे अंतिम समय का, जब हमारी डेथ होती है, और दूसरा हमारी वाइफ का. तो वो डेथ जो होता है वो तो बाद में एक बार आता है कभी कभार, यहाँ वाइफ का तो रोज ही चलता है. तो ये एवरी डे एवरी टाइम एवरी सेकेंड कब क्या हो जाए. ठीक है. तो सही आंसर जो है इसका, पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स. जी हाँ, पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स. नेक्स्ट देखिए. हरि सिंह वुड सेव अ लिटिल मनी आउट ऑफ परचेजेस और. हट जाओ वहां से एंजल. हरि सिंह would change, sorry, would change, would save. Hari Singh would save money. Hari Singh would save a little money. A little money. Out of purchases of. Purchases of. ऑप्शन देखिए. प्लॉट्स, सर्वेंट्स, प्लॉट्स, सर्वेंट्स, बुक्स या डेली सप्लाईज. डेली सप्लाईज. देखिए ये ऑलमोस्ट, देखो मच्छर घुसेगा, तुम सारे काम गजब कर रही हो एंजल. जाओ डियर. सॉरी फॉर द इंटरप्शन डियर. गो. सॉरी. देखिए जब यू नो, जब किसी को कोई सामान लाने के लिए दिया जाता है, जब हम छोटे थे भाई, मैं तो करता था, मैं साफ बताऊं, मुझे मिलता था तो मैं सोचता था कि अगर जितना का सामान है उसमें से 1-2 रुपया निकल जाए हमारे लिए कुछ ही टेबल्स हो जाएगा, लेकिन हम उसको बताते नहीं थे. तो हरि सिंह में भी वो क्वालिटी थी. तो कुछ पैसे उसको मिलते थे कुछ करने के लिए, और उसमें से पैसे बचा लेते थे. तो कर किस चीज के लिए उनको मिलता था पैसा? प्लॉट बेचने के लिए, सर्वेंट्स, ये तो ऑप्शन ही अजीब डाल दिया इसमें, बुक्स, या फिर डेली सप्लाईज. तो डेली सप्लाईज, रोज उनको
घर में सामान लाने के लिए पैसे दिए जाते थे, तो उसमें से कुछ पैसे वो अपने यूज में ले लेते थे। तो डेली सप्लाईज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल सोल्ड हिज बुक टू, अनिल सोल्ड हिज बुक टू, ऑप्शन देखिए, अ डीलर, नेक्स्ट अ स्टूडेंट, अ बुकशॉप, या फिर ऑप्शन डी, अ पब्लिशर, या किसी पब्लिशर को बेचा था। तो डीलर को बेचा था, स्टूडेंट को बेचा था, बुकशॉप पे बेचा था, या फिर एक पब्लिशर को बेचा था। तो जो बुक उन्होंने बनाई थी, जो मैगजीन के लिए वो लिख रहे थे बुक, तो वो उन्होंने किसको बेचा था, एक पब्लिशर को, और पब्लिशर को बेचा था तभी उन्हें कुछ पैसे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज हरी सिंह स्टोल डैश रुपीज फ्रॉम अंडर द मैट्रेस। हरी सिंह स्टोल डैश रुपीज फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, कितने रुपए चुराए थे भाई इन्होंने? ऑप्शन देखिए, 500, 600, 700, 400, 500, 400, 600, या फिर 700। जी देखिए, यहां पर हरि सिंह ने कितने रुपए चुराए थे चटाई के नीचे से, 400, 500, 600 या 700? तो इसका जो सही आंसर होगा डियर, वो होगा 600। 600 रुपए उन्होंने चुराए थे, 600 रुपए उनको मिले थे, और वो मतलब चटाई के नीचे से 600 रुपए चुरा लिए थे। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो 600 कितने रुपए के नोट थे और कितने थे, 100 के 6 थे, 50 के 12 थे, या कितने थे, वो सब आप पढ़िएगा बुक में और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इतने के इतने नोट थे। ठीक है, फिलहाल हम लोग रिविजन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। हरि सिंह वुड चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस एंड हिज एम्प्लॉयर्स। हरि सिंह वुड सेव अ लिटिल मनी आउट ऑफ परचेजेस ऑफ डेली सप्लाईज। अनिल सोल्ड हिज बुक टू अ पब्लिशर, और हरि सिंह स्टोल 600 रुपीज फ्रॉम अंडर द मैट्रेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, तो इट इज 10, 6 for 10। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर स्टीलिंग द नोट्स after
आफ्टर स्टीलिंग द नोट्स कॉमा हरि सिंह वेंट स्ट्रेट टू हरि सिंह वेंट स्ट्रेट टू जी ऑप्शन है बस स्टेशन एयरपोर्ट बस स्टेशन एयरपोर्ट सीपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जी पैसे चुराने के बाद हरि सिंह डायरेक्ट कहाँ गए बस स्टेशन गए एयरपोर्ट गए सीपोर्ट गए या रेलवे स्टेशन आपको याद होगा एक ट्रेन का वो इंतजार कर रहे थे और वो सीधा स्टेशन गए थे तो इसका जो सही आंसर होगा डियर रेलवे स्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ही वॉन्टेड टू रन अवे बाय देखिए इसमें नाम भी आ चुका है ही वॉन्टेड टू रन अवे बाय ठीक है ऑप्शन देखिए दिल्ली एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस दिल्ली एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस या ऑप्शन डी नन या कहें तो या किसी से भी नहीं तो ही वांटेड टू रन अवे बाय लखनऊ एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस या फिर दिल्ली एक्सप्रेस तो उस समय जिस टाइम पे वो पहुंचे थे वहां पर उस समय टाइम हो रहा था लखनऊ एक्सप्रेस का और उनका पूरा इरादा था कि वो पैसे ले ही चुके थे और वो उन्हें लेकर के लखनऊ एक्सप्रेस निकलना चाहते थे लखनऊ एक्सप्रेस से वहां से निकलना चाहते थे तो लखनऊ एक्सप्रेस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर लॉस अकॉर्डिंग टू हरि सिंह आफ्टर लॉस अकॉर्डिंग टू हरि सिंह अ रिच मैन शोज मतलब हरि सिंह के हिसाब से नुकसान होने के बाद एक अमीर आदमी क्या दिखाता है एंगर क्या वो गुस्सा दिखाता है फियर सोरो फियर दिखाता है सोरो दिखाता है या फिर एक्सेप्टेंस या उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंगर फियर सोरो एक्सेप्टेंस जी तो अब बताइए लॉस के बाद हरि सिंह के अकॉर्डिंग एक अमीर आदमी क्या दिखाता है जब उसका नुकसान होता है तो क्या दिखाता है क्या वो गुस्सा दिखाता है क्या वो डर दिखाता है क्या वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या फिर वो अपने दुख को दिखाता है तो हरि सिंह के हिसाब से एक अमीर आदमी का जब नुकसान होता है तो वो गुस्सा दिखाता है डियर क्या एंगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग द थीफ फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग द थीफ फाउंड दैट द थीफ क्या हरि सिंह चलो लिख दो द थीफ हरि सिंह फाउंड दैट अनिल हैड
ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर किया था? ऑप्शन ए सूप, सूप, कॉफी, सूप, कॉफी ड्रिंक या फिर टी। तो देखिए अगली सुबह भाई किसी तरीके से हरी सिंह का दिमाग काम किया, उन्हें लगा कि अमीर लोग होते हैं भाई, अगर उनका नुकसान होता है तो गुस्सा करते हैं, लेकिन क्या अनिल सिंह वैसे थे? अनिल सिंह को किसी की जरूरत नहीं थी, किसी मेड की या फिर किसी लाइक किसी भी सर्वेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हरी सिंह को रखा, उन्होंने उसको पढ़ना सिखाया, सब कुछ सिखाया। तो उनका दिमाग थोड़ा सा काम किया और उनको लगा कि नहीं, हरी सिंह को चीट, हरी सिंह जो चोर हैं, जो पैसा चुराया था जिन्होंने, उनको लगा कि अनिल को, अनिल सिंह को चीट नहीं करना चाहिए। उस बंदे ने पढ़ना लिखना सिखाया, अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, हर चीज किया, और उसने वादा भी किया था कि वो कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो पैसे देते इन्होंने तो सारा पैसा ही सरका लिया। लेकिन फिर भी उनको समझ में आया कि नहीं, अनिल सिंह ऐसा आदमी नहीं है जिसको चीट किया जाए, और वो बंदा वापस गया और उसके बाद अगले दिन वो पाया। क्या ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कि उनके पास उनके पैसे चोरी हुए, उनको पता चल गया था। उनको जब उन्होंने पैसा देखा, पैसा बारिश में भीगे हुए थे, पानी पूरा गीला पैसा था, उनको समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने कोई गलत एक्शन नहीं लिया, जबकि अमीर लोग सीधा एक्शन पे उतरते हैं, पुलिस को बुलाते हैं या सीधा भगा देते हैं कि आप नौकरी से छोड़ के चले जाओ यहाँ से। लेकिन अनिल सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। अनिल सिंह ने क्या किया देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग द थीफ हरी सिंह फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सूप, कॉफी ड्रिंक या टी। उन्होंने चाय तैयार कर ली थी, चलो चाय पीते हैं, ठीक है। तो आफ्टर स्टीलिंग द नोट्स हरी सिंह वेंट स्ट्रेट टू रेलवे स्टेशन। ही वांटेड टू रन अवे बाय लखनऊ एक्सप्रेस। आफ्टर लॉस अकॉर्डिंग टू हरी सिंह अ रिच मैन शोज एंगर, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द थीफ हरी सिंह फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टी। देखिए डियर, हम चाहते जरूर हैं कि इंसान सुधर जाए, लेकिन जैसे ही वो गलती करते हैं हम उसे सजा देने पर उतर आते हैं। क्या हम उसे मौका देते हैं कि वो सुधर जाए? अगर आप मौका देते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन सीधा आप सजा देने पर उतर जाते हैं तो फिर आप चाहते तो हैं कि वो सुधर जाए, लेकिन आप उसको मौका ही नहीं दे रहे सुधरने का। तो थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है, ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अनिल गेव डैश रुपीज नोट टू हरी सिंह, अनिल गेव डैश रुपी नोट टू हरी सिंह। ऑप्शन देखिए 10, 50, 20, 100। तो यहां पर मैंने कहा ना कि हमें चांस देना चाहिए कि कोई सुधर जाए, मिस्टेक करे तो उसको थोड़ा सा कभी कभी लाइक अवॉइड करना चाहिए, या अगर मिस्टेक है भी तो उसको बताइए, रियलाइज कराइए, उसको चांस दीजिए। यहाँ पर सिर्फ हरी सिंह ने यहाँ पर सिर्फ अनिल सिंह ने हरी सिंह को सिर्फ चांस नहीं दिया, बल्कि
मतलब उनकी मिस्टेक तो रियलाइज कराने का एक तरीका देखिए, चांस तो दिया ही, नौकरी पे भी रखा और इस तरीके से रियलाइज कराया कि तुरंत हरी सिंह ने, मतलब अनिल सिंह ने हरी सिंह को सीधा 50 रुपए का नोट दे दिया। लीजिए 600 रुपये उन्हें मिले थे, 600 रुपये में से 50 रुपये उन्हें दे दिए। अब आप सोच करके देखिए, वो चाहते तो पुलिस में भी जा सकते, पुलिस में बुला सकते थे, चाहते तो नौकरी से निकाल सकते थे, पता उन्हें सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुबह चाय खुद बनाई, जबकि जो हरि सिंह को बनाना चाहिए था अनिल सिंह ने खुद चाय बनाया और उन्हें 50 रुपये का नोट तक दे दिया। तो ये हमें सिखाता है डीए कि हम चाहते जरूर हैं कि लोग सुधर जाएं, हम ये भी चाहते हैं कि हम भी सुधर जाएं। हमें जब गलती होती है, मौका मिलता है, तो हम कभी कभी सुधर जाते हैं, कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, चल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और जब दूसरे गलती करते हैं तो हम तुरंत एक्शन पे उतर जाते हैं, जबकि जरूरत है उन्हें चांस देने का और ताकि और उनको रियलाइज कराने का कि हाँ आपकी ये गलती थी, अब इसे सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। देख लीजिए, द नोट्स विच हरि सिंह स्टोल, द नोट्स विच हरि सिंह स्टोल, विच हरि सिंह स्टोल were in, कमेंट करिएगा डी, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, कमेंट करिएगा वो नोट कितने के थे, कितने रुपए के कितने नोट थे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप थोड़ा सा लंबा गया होगा वीडियो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, बट एनीवे इसी के सहारे अब आप देख लीजिए कि द थीफ स्टोरी के सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लिए गए हैं। नेक्स्ट आई थिंक यस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ दिया। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।